स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी शिमास खाना में। और आज हम बनाने वाले हैं नमक पारा, बट आज का जो नमक पारा है वो परतों वाली बनाएंगे। तो फटाफट हम इसके रेसिपी देख लेते हैं। नमक पारा जो है परत वाली बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगता है, खाने में बिल्कुल बढ़िया और स्टोर करके रखने वाली चीज है, आप कैसे भी इसे खा सकते हैं। तो फटाफट हम इसका रेसिपी तैयार कर लेते हैं। हमारे पास है एक कटोरी मैदा, एक कटोरी मैदा हम और ऐड करेंगे इसके अंदर। तो आपको इधर कर लेते हैं, इसमें एक कटोरी मैदा और कर लेते हैं। ये मैदा छना हुआ है और अच्छे से हमने इसे बंद करके रखा है स्टोर करके। तो अब हम इसे दो कटोरी ले लिए मैदा, और इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा डाल देंगे। जैसे हम सबको पता है कि नमकीन में अजवाइन और कलौंजी डालना जरूरी होता है, तो इसके साथ हमने कलौंजी लिया है लगभग थोड़ा सा, और इसके अंदर हम ये देखिए बिल्कुल दोनों मिक्स करेंगे तो एक चम्मच हो जाएगा, जिसे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे ऑयल। तो मैं इसके अंदर जो है गुनगुना ऑयल नहीं ऐड कर रही हूँ, नॉर्मल ऐड जो ऑयल है उसे ऐड कर रही हूँ। तो नॉर्मली ऐड जो है ऑयल इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। ये देखिए नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है। अब मैं इसके अंदर जो है डेढ़ चम्मच लगभग इस चम्मच से हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर, और इसे है जो थोड़ा मिक्स करते हैं। इससे पहले हमें डालना है इसमें नमक। नमक डालेंगे हम बिल्कुल स्वाद अनुसार, आपको काला नमक डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, बट हम तो इसमें नॉर्मल नमक डालने वाले हैं। तो फोर्थ वन कप चौथाई जो है सॉरी टीस्पून जो है हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हो। और इसी के साथ हम इसे गूंथ लेंगे, सबको जो है एक अच्छे तरह से इसे मिक्स करेंगे हाथों से मसलते हुए, ताकि इसका जो मॉइस्चर हमें पता चल जाए कि सफिशेंट है या और डालना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, मॉइस्चर होने की वजह से आपका नमक पारा खस्ता बनेगा, परतों वाली नमकीन खिल के आता है। अगर इसमें नमक मॉइस्चर ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होगा तो परते खिल के नहीं आएंगे। तो इसलिए हमने जितने डेढ़ चम्मच इसके अंदर दो कटोरी के अंदर जो है डेढ़ चम्मच डाला है, बट मुझे थोड़ा सा लग रहा है पूरा डाल देती हूँ, लगभग ये दो चम्मच हमने बड़े चम्मच के साथ इससे हमने दो चम्मच ऑयल इसके अंदर जो है ऐड कर लिया है। अब मैं इसको कर दूँगी मिक्स अच्छे से। अब हो गया, ये बहुत अच्छे मॉइस्चर आ गया इसके अंदर, ये देख रहे होंगे ऑटोमेटिक ये बंध रहा है। और अब इसे हम एक खस्त सख्त से जो है डो तैयार करना है। तो सख्त डो तैयार करने के लिए हम इसमें कटोरी से पानी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये गीला ना हो, हमें टाइट डो तैयार करना है। तो देखिए हमने एक बहुत ही बढ़िया सख्त टाइप का, ना टाइट है ज़्यादा ना हार्ड है ना मुलायम है, बिल्कुल हमें नमकीन के जो आटा चाहिए वही है। तो बिल्कुल जो है परफेक्ट डो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा मसल लेते हैं और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और हमने जो है कढ़ाई में ऑयल डाला है और उसे गर्म कर रही हूँ, तो एक झलक मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, नहीं तो इस पर पपड़ी आ जाएंगे फिर से। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, आटा का डो बिल्कुल सेट हो चुका है, इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं हम, इसे थोड़ा चिकना हो जाएगा। और अब हम इसका नमकीन बना लेंगे। तो नमकीन वही परतों वाली नमकीन बहुत ही अच्छा, अभी मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट के लिए रखी थी, तो अभी कोई काम से बाहर गई थी जिसे मैंने इसे ढक के गई थी। तो अभी से फिर से मैंने इसे दो सेकंड भी नहीं हुआ है मैंने इसे मसल भी लिया है। तो मैं इसको जो है अच्छे से एक लोई तैयार करूँगी। तो ये देखिए तीन लोई हुआ है हमारे पास, देख सकते हैं, और एक लोई हमने जो है ये ऐसे बना लेना है मसलते हुए, इसको राउंड राउंड करना है, हमको चिकना होना चाहिए। तो अब हम इसे जो है बेलन के सहारे बेल लेते हैं, हमने इसे स्लेब पे ही बेला है। हमें इसे थोड़ा सा चकोर बेलना है, हाँ
बहुत ही अच्छे तरीके से जो थोड़ा सा चकोर से देते हुए इसे बेल लिया है। और हमारा जो है ये बहुत ही बढ़िया से पतला सा एक शीट बना लिया है। तो अब हमें इसके ऊपर डालना है ऑयल। तो हम इसमें गर्म ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल यूज ऑयल जो है यूज करेंगे। तो डाल देती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे तरीके से जो है ऑयल फैला लिया है। डस्टिंग के लिए हम इस पर थोड़ा थोड़ा मैदा लगा देंगे और इसे जो है अच्छे से बराबर कर लेंगे। देखिए खाने में बहुत ही बढ़िया परतों वाली नमकीन लगती है। इसको भी ऐसे ही जो है मोड़ लेंगे हम। इस पर थोड़ा सा फिर से ऑयल ऐड करेंगे। डस्टिंग के लिए थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। ये प्रोसेस है इसका। थोड़ा सा चकोर सेक देंगे इसे भी। ये थोड़ा छोटा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। और इसे भी हमने चकोर कर लिया है, सेप दे दिया है। और इसे हमें इसी तरीके से चकोर सेप जो आ गया है इसी साइज से हमें बेल लेना है। यह है सीट बना लिया है। इसके अंदर हम फिर से ऑयल डाल लेंगे, वही प्रोसेस करना है हमें फिर से। तो एक अच्छी परत दे देंगे ऑयल का, तभी हमारा इसके ऊपर जो है वो निखर के आएगा। पर अब इसके अंदर जो है हम डाल लेंगे आटा, वही मैदा है जिसे हम डस्टिंग बोलते हैं। डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा और इसको फिर से मोड़ लेंगे। और ये हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। इसे जो है हमें थोड़ा सा पतला करके बेल लेना है। ये मैदा है थोड़ा सा जो है सिकुड़ता है, इसीलिए हमें ये थोड़ा और बेलना है, थोड़ा सा ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। चकोर से भी थोड़ा बेल लेंगे ये, ताकि ये फैल जाए। ये देखिए हमने बहुत ही बढ़िया एक शीट तैयार कर लिया है और आप इस तरीके से बना सकते हो। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के लिए एक चाकू लेंगे और हमें जो है इसे पतला पतला टुकड़ों में लगभग ऐसे कट कर लेना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको बनाने में, तो आप इसे घर में बना सकते हो। प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं फ्राई करने के लिए। और इसी तरीके से बाकी के जो है नमक पारे परतों वाली बना लेंगे, ये चिपकेगा नहीं। और इसी तरीके से हम दूसरे वाला लोई भी बना लेंगे। फिर से हमने ये तीसरा शीट जो है बेल लिया है। इसमें ऑयल डाल लेंगे और वही प्रोसेस फिर से शुरू कर लेंगे। इसके ऊपर डस्टिंग के लिए डाल देंगे मैदा। और इसे फिर से फोल्ड कर लेते हैं। जितनी बार ये फोल्ड होता है उतना ही बढ़िया परत आती है खुल के। तो इसको फिर से हम ऑयल डालेंगे इसमें और अब डालेंगे फिर से मैदा। दो लोई तो हमने बना लिया है, ये तीसरा है। इसको चकोर फोल्ड कर लेंगे ताकि हम एक बढ़िया शेप दे पाए। तो अब हम इसे चकोर टाइप से बेल लेंगे। तो चकोर शेप में हमने तीसरे को भी अच्छा शेप दे लिया। और अब हम इसे फाइनली कट करेंगे। तो इसे ऊपर डाल लेते हैं फिर से ऑयल।
डस्टिंग के लिए थोड़ा सा मैदा। इधर हमारा तेल गर्म हो चुका है तो पहले उसको भी देख लेते हैं। और तेल काफ़ी अच्छे से बिल्कुल मीडियम साइज पे जो है हमारा गर्म हो चुका है। एक एक करके जितना आ जाए इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हमारा परतों वाला नमकीन जो है बन के रेडी हो चुका है। अब बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे सेके ताकि ये करारा और क्रिस्पी हो। और हमने जो है मैदा से डस्टिंग कर लिया है। आप चाहे तो इसे और थोड़ा सा ये पतला करके एक परत और दे सकते हो। कैसे, इसको ऐसे ही मोड़ ले और इस पर फिर से ऑयल लगा के इसको जो है फिर से एक ऐसे दे सकते हैं। और अब हम इसे बेल लेंगे। देख लेते हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, नमकीन फ्राई हो रहा है मेरा। इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं बिल्कुल मीडियम आंच पे सेक के। देखिए बहुत बढ़िया से जो है खुला खुला सा परतों वाली नमकीन बन के तैयार हो जाएगी हमारी। अब बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। और अब हम इसे फिर से एक शेप दे लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं परत बाई परत कैसे खुल रहा है और अच्छे से जो है ये फ्राई हो रहा है। आप जितना लेयर्स दे सकते हैं उसके अंदर दीजिए, इससे आपका जो है नमकीन परत बाई परत बनती जाएगी। और सिंपल भी बना सकते हो, मर्जी आपकी है, बट ये शेप देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी कुरकुरा क्रिस्पी रहता है। देखिए फटाफट क्रिस्पी परतों वाला नमकीन बना के हमने रेडी कर लिया है। इसे पार जो है ऑयल बाहर निकाल लेंगे और उसके ऊपर हम डाल लेंगे। तो लीजिए फटाफट परतों वाली ये देख सकते हैं नमकीन बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही जो है खास्ता बना हुआ है। आप आसानी से इसे ये देखिए बहुत गर्म है, आसानी से ही बहुत ही बढ़िया खाने में और बहुत अच्छा लगता है। स्टोर करके रख सकते हो, चाय नाश्ता टिफ़िन किसी के साथ भी दे सकते हो, या ऐसा कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो भी आप बना सकते हो। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करें और हमें बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि हमारा बनाया हुआ नमक पारा जो है परतों वाली आपको कैसा लगा। ये खाने में उतना ही बढ़िया और मज़ेदार रेसिपी है, तो फटाफट ये रेसिपी अपने घर पर ट्राई करें। सबको ये जो है ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा अगला वीडियो का जो अपडेट होगा आपके पास आसानी तक पहुंचेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।